हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व कुल भास्कर आश्रम पीजी कॉलेज एमएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम क्वेश्चन पेपर 2019। फ्रेंड्स, इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज, पोटैटो बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ, पोटैटो की फैमिली है, आंसर है 3 सोलेनेसी एंड सोलेनिन कंपाउंड पोटैटो में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीट रूट स्टॉक फॉर सिट्रस इन साउथ इंडिया इज, सिट्रस के लिए बीट रूट स्टॉक साउथ इंडिया में प्रयोग किया जाता है, आंसर है रंगपुर लाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इम्प्रूव्ड सीड डिस्ट्रीब्यूटेड टू फार्मर फॉर कमर्शियल कल्टिवेशन इज, ऐसे इम्प्रूव्ड सीड जिनको कमर्शियल कल्टिवेशन के लिए किसानों में बांटा जाता है या किसान कमर्शियल कल्टिवेशन के लिए जिस प्रकार के सीड का उपयोग करते हैं वह है, आंसर है सर्टिफाइड सीड एंड ब्रीडर और न्यूक्लियर सीड रिसर्च के लिए उपयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसिडिटी ऑफ काउ मिल्क इज, एसिडिटी काउ मिल्क की होती है, आंसर है 0.13 to 0.14%। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेथड ऑफ मास कम्युनिकेशन इज, निम्न में से कौन से एक्सटेंशन में मास कम्युनिकेशन के मेथड है, ऐसे मेथड जिसके द्वारा अधिक से अधिक लोगों को न्यूज़ सर्कुलेट की जा सकती है, आंसर है 2 न्यूज़पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब सॉइलर प्लाव इज बेस्ट सूटेड फॉर, सब सॉइलर का मुख्य कार्य है, आंसर है फर्स्ट ब्रेकिंग हार्ड फेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल म्यूटाजंस यूजली इंड्यूस, केमिकल म्यूटाजन इंड्यूस करते हैं, आंसर है जीन म्यूटेशन को, ऐसे केमिकल्स जो कि म्यूटेशन उत्पन्न करते हैं उन्हें म्यूटाजंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉइल पार्टिकल्स डिपॉजिटेड बाय फ्लोइंग वाटर इज कॉल्ड, सॉइल पार्टिकल का पानी के द्वारा जमाव कहलाता है, आंसर है एलुवियम एंड इस प्रकार से बनने वाली सॉइल को एलुवियल सॉइल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइफोसेट इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ, ग्लाइफोसेट निम्न में से किसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है, आंसर हो जाएगा 3 राउंडअप। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द मार्जिनल प्रोडक्ट इज मोर देन द मार्जिनल कॉस्ट देन फर्दर इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्शन इज, यदि मार्जिनल प्रोडक्ट मार्जिनल कॉस्ट से अधिक होता है तो प्रोडक्शन होगा, आंसर है 3 प्रॉफिटेबल या लाभदायक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अब्सेंट इन बफेलो एज कम्पेयर टू काउ, निम्न में से ऐसा कौन सा बॉडी पार्ट है जो कि काउ में प्रेजेंट होता है परंतु बफेलो में अब्सेंट होता है, आंसर हो जाएगा डेवलप। डेवलप इज अ लॉन्गिट्यूडनल स्किन फोल्ड जो कि गाय के लोअर नेक या लोअर जॉ लाइन पर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज, आइडेंटिफाई द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन सुक्रोज अंडरगोस फर्मेंटेशन रिएक्शन, निम्न में से यदि सुक्रोज का फर्मेंटेशन होता है तो बनने वाला कंपाउंड है, आंसर है 4 इथेनॉल विच इज टाइप ऑफ एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पजेंसी इन गार्लिक इज ड्यू टू, गार्लिक में पजेंसी का कारण कौन सा केमिकल है, आंसर है 4 विच इज एलिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ बार्क ऑन स्टेम और ब्रांचेस ऑफ फ्रूट क्रॉप इज नोन एज, ऐसा कौन सा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है जिसमें प्लांट की बार्क और स्टेम या ब्रांचेस की बार्क को हटाया जाता है, आंसर इज पैच और पैच बडिंग। क्वेश्चन, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट CPRI कहाँ स्थित है, आंसर है शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रूट क्रॉप्स प्रोपोगेटेड बाय सीड बियर फ्लावरिंग, यदि हम फ्रूट क्रॉप्स को सीड द्वारा
प्रोपोगेट करते हैं या उगाते हैं तो उनमें फ्लावरिंग में क्या प्रॉब्लम आती है? आंसर है लेट फ्लावरिंग, उनमें लेट फ्लावरिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैरो इज ड्रॉन बाय, हैरो को खींचा जा सकता है। आंसर है बोथ बुलक्स एंड ट्रैक्टर, बेलो और ट्रैक्टर दोनों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉसेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल कैन ऑकर ड्यू टू, सॉइल से न्यूट्रिएंट्स का लॉस निम्न प्रक्रिया द्वारा होता है। ऑप्शंस है ओनली लीचिंग द्वारा, ओनली न्यूट्रिएंट रिमूवल बाय क्रॉप्स ओनली, और इरोजन द्वारा। आंसर है ऑल ऑफ दिस, लीचिंग। लीचिंग इज अ डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ डिजोल्व न्यूट्रिएंट इन द सॉइल प्रोफाइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लाइम स्टोन इज यूज्ड फॉर द रिकमलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल, निम्न में से लाइम स्टोन का प्रयोग किस प्रकार की मृदा के सुधार के लिए किया जाता है? आंसर हो जाएगा एसिडिक सॉइल। लाइम स्टोन या चूना पत्थर सॉइल के पीएच को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल विच कैन नॉट बी चेंज इज, निम्न में से कौन सी सॉइल की ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसे चेंज नहीं किया जा सकता? आंसर है सॉइल टेक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विविपेरस सीड आर रिपोर्टेड इन, विविपेरस सीड पाए जाते हैं। आंसर है फोर जैकफ्रूट में। विविपेरस कंडीशन में मदर प्लांट से अलग होने से पहले ही फ्रूट में, फ्रूट के अंदर के बीजों में जर्मिनेशन हो जाता है। आंसर इज जैकफ्रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पोटेशियम फर्टिलाइजर मोस्ट सुटेबल फॉर पोटेटो एंड टोबैको इज, ऐसा पोटेशियम फर्टिलाइजर जो कि पोटेटो और टोबैको में यूज किया जाता है। आंसर है सल्फेट ऑफ पोटाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हर्बिसाइड इज यूज्ड एज अ पोस्ट इमर्जेंस इन वीट, निम्न में से ऐसा कौन सा हर्बिसाइड है जिसका उपयोग वीट क्रॉप में पोस्ट इमर्जेंस की तरह किया जाएगा? आंसर है 2,4-D, जो कि वीट में चौड़ी पत्ती के खरपतवार को मैनेज करने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग एंगल्स ऑफ स्लोप, निम्न में से किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग स्लोप के एंगल्स को मेजर करने के लिए किया जाता है? आंसर है इंक्लिनोमीटर। ग्रेफोमीटर का यूज भी एंगल्स मेजर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द फार्मिंग प्रैक्टिस ऑफ प्लोइंग अक्रॉस द स्लोप ऑफ हिल्स, निम्न में से ऐसे कौन सी फार्मिंग प्रैक्टिस है जिसका उपयोग हिल्स की स्लोप के विपरीत दिशा में किया जाता है? आंसर है 4 कंटूर प्लॉगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था? आंसर हो जाएगा 4 1974 से 1975 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोऑपरेटिव मूवमेंट वाज स्टार्टेड फर्स्ट इन, कोऑपरेटिव मूवमेंट सबसे पहले किस कंट्री में शुरू किया गया था? आंसर है इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ डे सिस्टम ऑफ प्लांटिंग रो टू रो डिस्टेंस इज ग्रेटर देन प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस, इनमें में से ऐसा कौन सा सिस्टम ऑफ प्लांटिंग है जिसमें रो टू रो डिस्टेंस अधिक व प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कम होती है? आंसर हो जाएगा ए रेक्टेंगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिसीज इन राइस इज कॉज्ड बाय जिंक डेफिशिएंसी, निम्न में से कौन सा राइस का डिसऑर्डर या डिसीज है जो कि जिंक की कमी से होता है? आंसर हो जाएगा फर्स्ट खेरा डिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरेट की फैमिली है, कैरेट बिलोंग्स टू फैमिली अम्बली फेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फेक्शन ऑफ कोक डायोसिस डिसीज कैन इन्फेक्ट द बर्ड अप टू द एज ऑफ, निम्न में से कौन सा डिसीज, निम्न में से कोकियोडायोसिस डिसीज बर्ड्स में किस एज में होता है? आंसर है 10 वीक्स ऑफ बर्ड एज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नेम द एडवांस स्टेज ऑफ रेल इरोजन, रेल इरोजन इज अ टाइप ऑफ सॉइल इरोजन विच इज डन बाय वाटर,
एंड रिल्ट इरोजन की एडवांस स्टेज होगी गली इरोजन. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज फ्री लिविंग बैक्टीरिया एंड नॉन सिम्बायोटिक. ऐसे सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि फ्री लिविंग होते हैं और किसी के साथ नॉन सिम्बायोटिक यानी सहजीविता प्रदर्शित नहीं करते हैं, वे हैं, आंसर है एजेटोबैक्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कम फॉर्म ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन ऑफ सोप इन हार्ड वाटर इज द प्रेसिपिटेशन ऑफ. हार्ड वाटर में जब साबुन को घोला जाता है तो उसमें जो स्कम फॉर्म होते हैं वे प्रेसिपिटेशन है, आंसर हो जाएगा सी कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट के ऑर्गेनिक फैटी एसिड्स के. नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटराइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ. लेटराइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सॉइल में एकत्रित हो जाते हैं, आंसर है आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरोग्राफ इज यूज टू रिकॉर्ड. बेरोग्राफ का उपयोग निम्न में से किसे रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है, आंसर है फोर कंटिन्यूस रिकॉर्ड ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. नेक्स्ट क्वेश्चन, पजेंसी इन चिली ड्यू टू. निम्न में से चिली में पजेंसी का कारण है, आंसर हो जाएगा सेकेंड विच इज कैप्सिसिन. नेक्स्ट क्वेश्चन, हिल सॉइल्स आर जनरली. निम्न में से हिल सॉइल्स होती है, आंसर है एसिडिक इन नेचर. नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट ऑफ सीड फॉर इंड्यूसिंग जर्मिनेशन इज रिफर्ड एज कोल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट. सीड्स में जर्मिनेशन को बढ़ाने के लिए या इंड्यूस करने के लिए दिया जाता है उसे कहते हैं, आंसर हो जाएगा स्टेरिलिटीफिकेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्टिलिटी लेवल ऑफ एनी सॉइल इज जनरली डिटरमाइंड बाय. किसी भी सॉइल में फर्टिलिटी लेवल डिटरमाइन किया जाता है. ऑप्शंस है एयरेशन एंड हाइड्रेशन ओनली. सॉइल में एयरेशन और हाइड्रेशन कंडीशन के थ्रू ह्यूमस एंड मिनरल्स कंटेंट्स हाइड्रेशन लेवल ओनली, आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस मेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फर्टिलिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओवरहेड कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज. ओवरहेड कॉस्ट को कहते हैं, आंसर है फोर फिक्स्ड कॉस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टैटिकल प्रोसीजर फॉर एस्टिमेटिंग वेदर द डिफरेंस अंदर स्टडी इज सिग्निफिकेंट और नॉन सिग्निफिकेंट इज नोन एज ऐसी स्टैटिकल प्रोसीजर जिसके अंदर हम सिग्निफिकेंट और नॉन सिग्निफिकेंट के बीच के अंतर की स्टडी करते हैं, इसे कहते हैं, आंसर है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटेलिजेंस एबिलिटी और एफिशिएंसी कैन बी मेजर्ड बाय द यूज ऑफ. किसी व्यक्ति की इंटेलिजेंसी एबिलिटी या एफिशिएंसी स्टैटिक्स के किस मेजर द्वारा मापी जा सकती है, आंसर हो जाएगा मीडियन द्वारा. नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेम अबाउ द ग्राउंड इज बनाना इज नोन एज. ग्राउंड के ऊपर पाया जाने वाला स्टेम बनाना में कहलाता है, आंसर है स्यूडो स्टेम. एंड सकर्स और वाटर सकर आर फाउंड इन बनाना. द इनएबिलिटी ऑफ हाइब्रिड टू प्रोड्यूस वायबल ऑफ स्प्रिंग इज नोन एज. आंसर इज हाइब्रिड स्टेरिलिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लाव यूज्ड फॉर मैक्सिमम मॉइस्चर कंजर्वेशन इज. ऐसा प्लाव जिसका उपयोग मैक्सिमम मॉइस्चर कंजर्व करने के लिए किया जाता है, आंसर है चीजल प्लाव. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड पंप्स इन ट्रैक्टर हाइड्रोलिक सिस्टम आर. ऐसे पंप्स जिनका उपयोग सबसे अधिक ट्रैक्टर हाइड्रोलिक सिस्टम में किया जाता है, आंसर है गियर टाइप पंप. पेस्टिसाइडेड एक्ट बाय परमिटिंग द एंटायर प्लांट आर सेड टू बी. ऐसे पेस्टिसाइड जो कि पूरे प्लांट में फ्लो को परमिट करते हैं, डेट इज सिस्टेमिक पेस्टिसाइड.
नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन अ सेल इज, इनमें से कौन सी प्रोटीन सिंथेसिस की साइट है या सेल में प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है? आंसर है 3, राइबोसोम में। पडलिंग इज डन टू, पडलिंग की जाती है, आंसर है रिड्यूस पर्कुलेशन ऑफ वाटर, वाटर के पर्कुलेशन को कम करने के लिए जनरली पडलिंग राइस क्रॉप में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनब्रिड लाइंस इन मेज आर मेंटेन बाय, मेज में इनब्रिड लाइंस को मेंटेन किया जाता है, आंसर है सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस द्वारा। निम्न में से सक्सेस इज रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट डिपेंड्स ऑन, किसी रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की सफलता डिपेंड करती है, आंसर है फर्स्ट पार्टिसिपेशन ऑफ बेनिफिशियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांटिंग ऑफ सक्सीडिंग क्रॉप बिफोर द हार्वेस्ट ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप इज नोन एज, ऐसा क्रॉपिंग सिस्टम जिसमें पहली क्रॉप को हार्वेस्ट करने से पहले ही नेक्स्ट क्रॉप को बो दिया जाता है कहलाता है, आंसर है रिले क्रॉपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईयर इज कंसिडर एज अ ड्रॉट ईयर, निम्न में से ऐसा ईयर जिसे ड्रॉट ईयर कंसिडर किया जा सकता है उसमें होगा, आंसर है 75% लेस रेनफॉल देन नॉर्मल, नॉर्मल ईयर में जो रेनफॉल हो रहा है उससे यदि 75% तक वर्षा में कमी आ जाती है तो इसे ड्रॉट ईयर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICAR नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट नार्म इज लोकेटेड, नार्म कहाँ स्थित है? आंसर है 2, हैदराबाद में। वॉर्म इंफेक्शन इन कैटल इज कॉज्ड बाय, निम्न में से वॉर्म इन्फेक्शन कैटल्स का होता है, आंसर है फंगस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इम्पार्ट्स डिसीज रेजिस्टेंस टू क्रॉप, निम्न में से कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जो क्रॉप को डिसीज रेजिस्टेंट बनाता है? आंसर है 2, विच इज पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्शियल रूट पैरासाइट, निम्न में से कौन पार्शियल रूट पैरासाइट है? आंसर हो जाएगा स्ट्राइगा। एंड ओरोबैंकी इज टोटल रूट पैरासाइट। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अमेरिकन ब्रीड ऑफ पोलिट्री, इनमें से कौन सी पोलिट्री की अमेरिकन ब्रीड नहीं है? आंसर है ए कॉर्निश। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टम ऑफ फॉर्मिंग, इनमें से कौन सा सिस्टम ऑफ फॉर्मिंग नहीं है? आंसर है 2, विच इज रेन फेड फॉर्मिंग। एंड कलेक्टिव फॉर्मिंग, स्टेट फॉर्मिंग एंड कोऑपरेटिव फॉर्मिंग इज अ सिस्टम ऑफ फॉर्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्विकेस्ट मेथड ऑफ लॉन मेकिंग, इनमें से किसके द्वारा हम सबसे जल्दी लॉन बना सकते हैं? आंसर है टर्फिंग मेथड द्वारा। इनमें से कौन सा ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है? आंसर है नीम एक्सट्रैक्ट। इन बाकी के तीनों केमिकल पेस्टिसाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोन्यूट्रिएंट इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन, इनमें से कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो कि ऑक्सीजन के सिंथेसिस के लिए आवश्यक है? आंसर है 2, जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ इरीगेशन हैज द हाइएस्ट वाटर यूज एफिशियंसी, इनमें से ऐसी कौन सी सिंचाई की विधि है जिसमें वाटर यूज एफिशियंसी हाइएस्ट होती है? आंसर हो जाएगा 2, विच इज ड्रिप इरीगेशन और बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोड ऑफ रेडियो ब्रॉडकास्ट, इनमें से कौन रेडियो ब्रॉडकास्टिंग का मोड नहीं है? आंसर है ए लेक्चरर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज द रीजन फॉर द सीडलेसनेस इन थॉम्सन सीडलेस ग्रेप्स, थॉम्सन सीडलेस ग्रेप्स में सीड नहीं होने का कारण है? आंसर है स्टेनो स्पर्मोकार्पी। विच पार्ट ऑफ रूट एब्सॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स, रूट के कौन से पार्ट द्वारा मिनरल्स और वाटर अवशोषित किया जाता है? आंसर है रूट हेयर्स।
Next question, which method of estimation of available phosphorus is used for neutral and alkaline soil? Answer is Olsen method. Next question, which method of milking is used for commercial dairy? निम्न में से कौन सी method commercially dairy में use की जाती है? Answer है machine milking. Next question, buttoning is a physiological disorder in. Buttoning किसका physiological disorder है? Answer है 4, cauliflower का. निम्न में से कौन सी oilseed crop है? Answer है 2nd, groundnut और मूंगफली. Inflorescence of sugar cane is, inflorescence of sugar cane is arrow. Who gave the call for evergreen revolution in India? Evergreen revolution in India. Answer है A, M.S. Swaminathan द्वारा. Next question, golden rice is rich in, golden rice is rich in vitamin A. इसमें विटामिन ए के प्रिकर्सर पाए जाते हैं जिससे बॉडी को विटामिन ए अवेलेबल हो पाता है. द फादर ऑफ हाइब्रिड राइस इज, निम्न से किसे फादर ऑफ हाइब्रिड राइस कहा गया है? इन वर्ल्ड, आंसर इज 3rd, युआन लॉन्ग पिंग. वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? आंसर है 5 जून को. नेक्स्ट, द हर्बिसाइड एट्राजिन इज मोस्टली यूज्ड इन द फॉलोइंग क्रॉप. एट्राजिन का उपयोग सबसे ज़्यादा क्रॉप में किया जाता है? आंसर है मेज में. नेक्स्ट क्वेश्चन, फंगस विच कैन ग्रो ओनली ऑन लिविंग होस्ट प्लांट आर कॉल्ड, ऐसी फंगस जो कि सिर्फ जीवित प्लांट पर ही ग्रो हो सकती है कहलाती है ऑब्लिगेट पैरासाइट्स. द येलो मोजेक वायरस इन ब्लैक ग्राम इज ट्रांसमिटेड बाय, ब्लैक ग्राम में या उड़द का येलो मोजेक वायरस ट्रांसमिट होता है? आंसर है वाइट फ्लाई द्वारा. द माइक्रो न्यूट्रिएंट नीडेड फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूम इज, ऐसा माइक्रो न्यूट्रिएंट जो कि नाइट्रोजन लेग्यूम्स क्रॉप में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक होता है? आंसर हो जाएगा 2nd, मोलिब्डेनम. द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कहाँ स्थित है? आंसर है भोपाल में. नाबार्ड की स्थापना कब हुई? आंसर है 1982 जुलाई में. द ग्रीन हाउस गैस इज एमिटेड बाय राइस फील्ड्स, राइस के खेत से निकलने वाले ग्रीन हाउस गैस है? आंसर हो जाएगा मीथेन. अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं. आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल एग्रीकल्चर स्टूडेंट. इफ़ यू आर अ न्यू इन दिस चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप ऑल्सो. थैंक यू.